हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ मून और एनी प्लेनेट बाय पैरेलेक्स मेथड। यानी कि पैरेलेक्स मेथड को यूज़ करके हम लोग मून का डिस्टेंस या फिर अगर कोई दूसरा प्लेनेट है तो उसका डिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये चीज़ समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि पैरेलेक्स मेथड हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, और अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा हो तो पहले जाकर वो देख लीजिएगा पैरेलेक्स मेथड क्या होता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब ये चीज़ समझने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग ये मान लेते हैं कि ये अपनी पूरी अर्थ है। ऑलराइट, ये वाली पूरी अपनी अर्थ है। अर्थ पे दो पोजीशन हम लोग लेते हैं, पोजीशन ए और पोजीशन बी। दो कोई भी हम लोगों ने अर्थ पे पोजीशन लिया है। हम लोग क्या करेंगे कि पोजीशन ए पे खड़ी रहकर सबसे पहले एक स्टार को देखेंगे जिसका नाम मैंने यहाँ पे दिया है वाई डैश। मतलब वाई डैश अपने पास में एक स्टार है जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर है ना, एज़ कम्पेयर टू अर्थ और मून, उनके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा दूर है। अब ये लेने का रीज़न क्या होता है कि अपने को बैकग्राउंड वो मानना है कि वो जो वाई डैश है वो आपका एक स्टार है। तो अगर आप किसी भी पोजिशन से अर्थ की अगर उस स्टार को देखते हैं तो स्टार के अंदर आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं लगेगा, आपको बैकग्राउंड लगभग वही रहेगा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि वो स्टेशनरी है। तो आपको क्या करना है कि ए पे खड़े रह के पहले उस स्टार को देखना है, वाई डैश स्टार को, उसके बाद में मून को देखना है। तो जब आप ये देखने का शिफ्ट करोगे तो हम लोग ये मान लेते हैं कि स्टार और मून को जब देखेंगे तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो बनेगा 5:1, करेक्ट। उसके बाद में हम बी पोजीशन पे जाएंगे, अर्थ की ही किसी बी पोजीशन पे जाएंगे। बी पोजीशन पे जाने के बाद में वापस हम उसी स्टार को देखेंगे जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, और फिर मून को देखेंगे। तो अब हम ये मान लेते हैं कि स्टार और मून के बीच में यहाँ पे जो ये वाला एंगल जो फॉर्म होगा ये हो जाएगा अपना 5:2, करेक्ट। और ये पोजीशन हम लोग देख रहे थे, पी पॉइंट, मून का ये पी पॉइंट हम लोग देख रहे थे, करेक्ट। तो अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं जो कि ये मान के चलते हैं हम लोग कि मून की और यहाँ की मून की और अपने अर्थ के बीच की डिस्टेंस है, तो ये एक पूरी लाइन हो गई। अगर यहाँ पे आपका 5:1 बन रहा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपका 5:2 बन रहा है ये वाला, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा। और अब यहाँ पे 5:1 प्लस 5:2 दोनों एंगल्स मिलाकर, 5:1 प्लस 5:2 दोनों एंगल्स मिलाकर बनेगा आपका थीटा, जिसको आप लोग बोल सकते हो पैरेलेक्टिक एंगल, करेक्ट। तो अब एक्चुअल में हम लोग इसमें डिस्टेंस निकालेंगे कैसे। हम लोगों ने इसका मेथड तो देख लिया कि हम लोग इस तरीके से करेंगे। पहले हम लोग ए पे खड़े होंगे, उसके बाद में मून को देखेंगे, फिर हम लोग बी पे खड़े होंगे, फिर मून को देखेंगे, और उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका पैरेलेक्टिक एंगल बनेगा, राइट। और ए और बी की जो डिस्टेंस है, ए और बी दोनों के बीच की, उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो बी है, स्मॉल बी, राइट। अब देखिए, अपने पास में क्या होता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल्स टू होता है आर्क बाय रेडियस। ये अपना एक फॉर्मूला होता है कि जब भी अगर ऐसा कोई आपके पास में सिनेरियो बनता है कि मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और इस तरीके का कोई आर्क आपका बन रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन लेंथ ऑफ आर्क, और यहाँ पे जो बनता है वो बनता है थीटा, और यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग रेडियस। तो यहाँ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। ये मैथमेटिक्स में भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया होगा, और नहीं किया हो तो ध्यान रखिएगा, आर्क बाय रेडियस इस तरीके का फॉर्मूला अपना यूज़ करते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आर्क अपने पास में क्या है, आर्क मतलब देखिए जो अर्थ पे ये जो पोजीशन है इसको हम लोग मान लेते हैं कि अपना एक आर्क है, करेक्ट। ये जो बी पोजीशन, इसको हम लोगों ने एक आर्क मान लिया, तो इसको लिख दिया अपन ने बी। अपॉन में अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस देखिए, यहाँ पर अगर इसको सेंटर पॉइंट मान ले तो यहाँ से एस जो है आपका रेडियस हो जाएगा, तो अपॉन में हम लोगों ने एस लिख दिया। अब अपने को निकालना क्या है, एस से पी के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये ए सी तो आपको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एस इज इक्वल्स टू बी बाय थीटा, यानी कि बी क्या है आपके पास में, दोनों पोजिशंस के बीच का डिस्टेंस, और थीटा क्या है, पैरेलेक्टिक एंगल। और थीटा का यहाँ पे अगर अपन देखें तो जैसे मैंने भी आपको ऊपर डायग्राम के अंदर बताया था कि 5:1 प्लस 5:2 जब दोनों का प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा थीटा, जिसको अपन लोग बोलेंगे पैरेलेक्टिक एंगल, राइट। तो इस फॉर्मूले से आप लोग क्या कर सकते हो कि इस तरीके की जो डिस्टेंस है मून की या किसी प्लेनेट की, वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।